नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर डॉट 24 न्यूज़। मैं हूं विमल। आइए जानते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। सीहोर में स्थित बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 7 छात्रों पर हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बीटेक सेकेंड ईयर के ये छात्र कुछ दिन पूर्व हॉस्टल रूम में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। इस मामले को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गंभीरता से लेते हुए साफ कर दिया है कि छात्रों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। प्रबंधन से बात हो गई है, उन्हें समझाइश दे दी गई है। गृह मंत्री ने कहा है कि छात्र अगर भारत में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल इस मामले में कलेक्टर को जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में बताया जा रहा है कि हॉस्टल के रूम में करीब 20 छात्र एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैनेजमेंट से इस मामले की शिकायत अन्य वर्ग के छात्रों ने की थी। इसके बाद शिकायत सही पाए जाने पर छात्रों की अगुवाई कर रहे 7 छात्रों पर जुर्माना लगाए जाने का नोटिस जारी किया गया। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार रूम में व्यक्तिगत रूप से कोई पूजा पाठ करता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामूहिक रूप से बिना किसी अनुमति के इस तरह के आयोजन नहीं किए जा सकते, भले ही वह रूम के भीतर ही क्यों ना हो। इस मामले में वार्डन से रिपोर्ट भी ली गई थी। इस मामले का छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि दूसरे वर्ग के जूनियर छात्रों ने मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की थी और कहा था कि वे भी सामूहिक रूप से ऐसा करेंगे। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने हनुमान चालीसा पढ़ने वाले 7 छात्रों पर 5,000 का जुर्माना लगाया था, लेकिन यह मामला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक पहुंचा। खुद छात्रों ने और उनके अभिभावकों ने इस घटना की जानकारी फोन पर गृह मंत्री को दी। मामला सामने आने के बाद गृह मंत्री ने कॉलेज प्रबंधन को फटकार लगाई और जुर्माने का आदेश वापस लेने को कहा। वहीं इस मामले की जांच का जिम्मा सीहोर कलेक्टर को सौंपा गया है। वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंधन अपनी चुप्पी साधे हुए है। इसी मामले को लेकर आष्टा विधानसभा के बीजेपी विधायक रघुनाथ मालवी ने BIT कॉलेज में छात्रों पर हनुमान चालीसा के पाठ करने पर लगाए गए जुर्माने की कार्रवाई का विरोध किया है और इसकी आलोचना की। कहा प्रबंधन की जांच करवाएंगे। वहीं उधर बात करें तो इस पूरे मामले पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं जिला अध्यक्ष ने कॉलेज प्रबंधन का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी की। वहीं इस मामले पर पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता रमेश सक्सेना ने कहा कि यह बहुत ही निंदनीय है। पर सीधे सीधा मेरा ये आरोप है कि वेल्लोर यूनिवर्सिटी के प्रबंधन के खिलाफ यदि धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज नहीं हुआ और कार्रवाई नहीं हुई तो इस जिले में उग्र आंदोलन होगा और उसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार की होगी और जिला प्रशासन की होगी। हनुमान दादा के श्री चरणों में नमन करते हुए सभी को जय श्री राम। अभी ज्ञात हुआ है कि कोटरी के पास BIT कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे छात्रों पर 5,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। ये घोर निंदनीय है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर संज्ञान लेंगे ऐसी आशा है, क्योंकि पूरे देश में भाजपा का शासन है और भाजपा के शासन में प्राचार्य या सरकारी अधिकारी कर्मचारी इतने निरंकुश हो गए हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये मैं जनहित में और आम जनता से मांग करता हूं कि इसका घोर विरोध करें, क्योंकि ये सनातन धर्म के प्रति कुठाराघात है। हनुमान जी कलयुग के अधिनायक हैं, भगवान राम के भक्त हैं। हम सब हनुमान चालीसा के माध्यम से अपने आप को कृतकृत करते हैं। मैं पुनः इसकी घोर निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि शासन संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करेगा। जय श्री राम। अभी आज सुबह में जो पता लगा है कि वहां पर हमारे छात्र जो पढ़ते हैं उन्होंने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया हुआ और उस पाठ करने में, क्योंकि उस BIT में पूरे देश के लोग वहाँ पढ़ने आते हैं, सभी धर्म के लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन अपने अपने धर्म का पालन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे जो हनुमान लाला है वो कलयुग के हमारे देवता हैं और उनको कोई चोट पहुँचाने का काम करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हनुमान चालीसा पढ़ने की बात को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज के गेट के सामने किया सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ।
बीआईटी के गेट के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। पहले विरोध, फिर कॉलेज के गेट पर किया सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ। कॉलेज प्रबंधन से मिलने की मांग पर अड़े थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता। छात्र नेताओं ने बीआईटी कॉलेज के गेट के सामने बैठकर काफी देर तक नारेबाजी की। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद छात्रों पर लगाए गए जुर्माने से गर्माई ये पूरी सियासत। हंगामा होने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया चर्चा करने के लिए। कॉलेज मंडल से मिलने पहुंचा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल। विषय को लेकर के हमने लगातार कॉलेज प्रबंधन से सामान्य रूप से बातचीत करने की कोशिश की, परंतु लगातार कॉलेज प्रबंधन यहाँ पर हमसे बात करने के लिए डर रहा है, छुप रहा है। कोई भी अधिकारी यहाँ पर सामने से आकर के बात नहीं कर रहा है, जिसको लेकर के विद्यार्थी परिषद विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ हम सामूहिक रूप से सभी लोग बैठ करके, जितने भी कार्यकर्ता हमारे उपस्थित हैं, सभी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किस विषय में बात करना चाह रहे हैं जी? यहाँ पर लगातार हमारे को सुनने में कई शिकायतें पूर्व में भी इस कॉलेज की हमारे पास में आई है, जिसमें लेकर के खाने योग्य यहाँ खाना नहीं है, पीने योग्य जल नहीं है, एवं वर्तमान समय में ऐसा सुनने में आया कि कुछ छात्रों के ऊपर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर के 5,000 रुपये का जुर्माना कॉलेज प्रशासन द्वारा लगाया गया, जिसको लेकर के हम सामान्य रूप से बातचीत करने के लिए आए थे, पर कॉलेज प्रबंधन जो कि पूर्ण रूप से गलती में है, वो अपनी गलती को छुपाते हुए हमसे बात करने से डर रहा है। कॉलेज प्रबंधन के लोगों से लगातार हमारी बातचीत हो रही है, परंतु उनका यह कहना है कि यहाँ कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या कोई भी बात करने योग्य व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है और हम लोगों का ऐसा सभी का मानना है, सामान्य रूप से यह विषय है कि जब यहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति बात करने योग्य नहीं है, अगर कोई अधिकारी आता है, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस अधिकारी से बात कर सके, अपना विषय उसके सामने रख सके, उस अधिकारी का विषय समझ सके, तो यहाँ पर कॉलेज चलाने का मतलब क्या है? आप केवल कंप्यूटर से कॉलेज चला करके पैसे कमा रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आपके यहाँ पर एक कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ बात करने योग्य नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर कॉलेज चलाने से कोई क्या मतलब है? पुलिस के अधिकारियों से लगातार चर्चा हुई है, प्रशासन हमारा भी सहयोग कर रहा है, परंतु प्रशासन का ऐसा कहना है कि वो लगातार उन्हें भी इसी अनदेखा में रखे जा रहा है कि यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है। अभी हमारे माननीय थाना प्रभारी जी से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही किसी अधिकारी को ला करके आपसे हम मिलवाएंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। जी धरना प्रदर्शन हमारा वर्तमान रूप में देखिए, हमारा आंदोलन या प्रदर्शन का कोई यहाँ पर इरादा लेकर के हम आए नहीं थे, हमारा कोई ऐसा मकसद है नहीं, क्योंकि कब तक उठेंगे? जी हम यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, विरोध प्रदर्शन जब तक यहाँ पर कोई अधिकारी हमसे आकर नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर तरह खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप देखते रहिए सीहोर लाइव 24 न्यूज़। नमस्कार।